अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग होंगे बहुत अच्छे। तो मैं आई हूँ अपनी जेठानी के घर। बाकी तो शायद आप लोग समझ गए नहीं, लेकिन आप लोगों ने अभी घर नहीं देखा क्योंकि मैंने सही से नहीं दिखाया। ऐसा टाइम ही नहीं मिलता और ऐसे टाइम पे मैं आती भी नहीं। आज भी मैं बहुत लेट आई हूँ और ये बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। रैयान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो थोड़े उदास बैठे हुए हैं और उन्हें फ़ोन भी चाहिए था। आजकल आपको पता ही, आजकल के बच्चे कैसे बिना फ़ोन के रहते नहीं हैं। और ये बच्चे यहाँ बाहर खेल रहे थे तो बोल रहे थे कि मतलब मामी हमारा ब्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो ये बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। और जिक्रा ने कर दिया चीटिंग, सबसे बाद में गई और सबसे पहले आ गई है, लेकिन फिर भी अब्दुल रज़ा ने उन्हें पीछे कर दिया है। तो ये बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। अब इनकी नटखट बातें सुने। ये हमारे घर के बिगड़े हुए बच्चे, ये देखो ये तीनों फोन में लगे हुए हैं और एक ये चौथे बच्चे, सारे फोन में लगे हुए हैं। ये हमारे अब्दुल्ला और ये ऊपर, मतलब ऊपर खाना खिलाया जा रहा था तो ये सब मतलब ले जा रहे हैं ऊपर खाना। और ये है गरम गरम बिरयानी, आप लोग भी आ जाइए। और उसके बाद मतलब हमने ये कैप्चर किया था, मतलब कबाब तो स्टार्टिंग से ही बन रहे थे, ऊपर छत पे सेटअप किया था कबाब बनने का। तो ये गर्मा गर्म सीख वाले कबाब बन रहे हैं तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए जिन्हें भी पसंद है। तो ये बन रहे हैं कबाब। इस साइड वो भैया मतलब लगा के दे रहे हैं सीख में कबाब सबको और वो उधर सेके जा रहे हैं भट्टी पे। तो ये गर्मा गर्म कबाब सीख रहे हैं। बाकी आगे आपको दिखाते हैं, ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया, भीड़ थी और फिर समझ में भी नहीं आता है ना। तो थोड़ा सा मैंने हल्का सा नीचे का पोर्शन का मतलब लिया भी है, भाभी का रूम वूम दिखाया है मैंने आप लोगों को, वो आप लोग देखना। फिर इंशाल्लाह किसी दिन अच्छे से दिखाऊंगी जब टाइम से जाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम लोग, तो मैं बहुत लेट गई थी तो इसलिए कुछ नहीं कर पाई। अगर थोड़ा पहले जाती तो कैप्चर कर लेती। ये देखिए, ये भी आप लोगों के लिए स्टाइल में किया गया है कि पहले खाली प्लेट दिखाई फिर अचानक से कबाब आ गए हैं इसमें। तो अब इतनी बार तो बोल चुकी हूँ खा लीजिए। तो ये हमारी भाभी का रूम, ये है उनकी बेटियों का रूम और ये उनका ओपन किचन है, लॉबी में ही बना हुआ है, ये बैठक है। और ये हैं हमारे घर के सबसे बड़े बेटे और माशाल्लाह बहुत अच्छे। और ये बोल रहे हैं दीदी मेरे कि भाई वीडियो में बनवा दूंगा, पहले आप लोग खाना खा लीजिए गर्मा गर्म। खाना ठंडा हो गया था तो आप लोग देख रहे हैं कि बच्ची को हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो अभी जो मतलब वैसे घर घर के लोग हैं, हम तो अब हम लोग ही खाएंगे मतलब खाना। और ये मैं जर्दा निकाल रही हूँ, खाना सबने ऊपर ही खाया था तो हम सब ने भी ऊपर ही खा लिया था कि मतलब एक ही जगह हो जाएगा तो ऊपर खा रहे हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं और ये है मोहम्मद अहमद, ये आप लोगों को हाई कर रहे हैं। ये है अनाबिया और यहाँ पे गर्मा गर्म कोरमा है। और ये मेरे बिरजू गर्म कर रहे हैं, मतलब बताया था आपको कि खाना ठंडा हो गया तो ये गर्म कर रहे हैं खाना। ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए बनाया। और ये मुझसे कह रहे हैं कि ये देखिए गर्मा गर्म बिरयानी खाओगे तो याद आ जाएगी नानी। तो ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ये है जरदा और ये है उवैस पबजी लवर। और ये देखिए कितना रश हो रहा है। और ये मैं ही बिरयानी निकाल रही हूँ प्लेट में, पता नहीं किसी को भिजवानी थी तो शायद इसलिए निकाल रही हूँ। तो यही सब था, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम अपनी जिठानी के घर आए हैं और ये देखो अब उवैज आप लोगों को कबाब खिला रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। हम चार पांच जने बचे थे तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो यहीं आते हैं हम, हमारी जिठानी माशाल्लाह बुलाती रहती हैं और हम लोग एक साथ खाना बैठ के खाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब 12:15 बज रहे थे रात के और अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो घर पहुंचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या कंटिन्यू हो सकता है या नहीं। तो घर पहुंच जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे का है और हम जा रहे थे थोड़ा बाहर, तो बाहर जा रहे हैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें
और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और ये हम बाहर, मतलब हम दोनों बाहर गए थे किसी काम से, तो हम लोगों ने यहाँ पे खाए हैं मोमो, तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और हम दोनों ने जूस पिया था। तो अब इंशाल्लाह मिलूंगी कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा ये तो दिखाना ही भूल गई कि हाँ घर वापस आ रहे थे, तो ये ना झंडे पे, अब मुझे नहीं पता शायद गुरुद्वारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यहाँ मेला लगता है, तो यहाँ पे अब इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है और अब घर वापस जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, आप लोग देख सकते हैं मार्केट भी पूरा बंद ही है लगभग, तो अब घर जा रहे हैं, इंशाल्लाह घर पहुँचेंगे, तो अब कल मिलेंगे आप लोगों से। ओके,